ये गीता है। गीता को संभावित ब्लड स्टेम सेल दाता के रूप में पहचान लिया गया है, एक सुनहरा अवसर जीवन की सौगात के लिए। गीता याद कर रही है पंजीकरण प्रक्रिया, जो बहुत आसान थी। दो फॉर्म्स और एक चीक स्वॉप और एक छोटा सा पैसा दान। जैसे कि गीता ही एकमात्र मैच साबित हुई है, अब वह मरीज के लिए जीवित रहने की एकमात्र आशा है। ब्लड स्टेम सेल दान एक संयुक्त क्रिया लेकिन एक आसान प्रक्रिया है। आपसी मेल को जांचने के लिए बहुत ही थोड़ी मात्रा में ब्लड या चीक स्वॉप का नमूना लिया जाता है। इसके उपरांत मास्टर हेल्थ चेकअप किया जाता है, एक अच्छे स्वास्थ्य दाता को सुनिश्चित करने के लिए। डॉक्टर की अनुमति के बाद गीता अपने ब्लड स्टेम सेल डोनेट कर सकती है। डोनेट करने के दो प्रक्रियाएं हैं, परिधीय रक्त स्टेम कोशिका दान या हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण। परिधीय रक्त स्टेम कोशिका दान, दाता को पहले GCSF इंजेक्शंस दिए जाते हैं रक्त में ब्लड स्टेम सेल की मात्रा वृद्धि के लिए। ब्लड स्टेम सेल्स को एक आउटपेशेंट प्रक्रिया के माध्यम से शरीर से निकाला जाता है। हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण, बोन मैरो हार्वेस्ट में दाता को जनरल एनेस्थीशिया दिया जाता है और हिप बोन में एक छोटे से सुराख के माध्यम से निकाला जाता है। दाता रात भर अस्पताल में आराम करके सुबह जा सकता है। याद रखें, दान करने के दो तरीके हैं, परिधीय रक्त स्टेम कोशिका दान या हड्डी मज्जा प्रत्यारोपण। दाता के पास वह तरीका चुनने का विकल्प होता है जिसके द्वारा वह दान करना चाहता है। गीता के ब्लड स्टेम सेल रोगी के लिए एक तापमान नियंत्रित बॉक्स में दात्री द्वारा ले जाया जाता है। गीता ने इस प्रकार से एक जीवन दान किया है और ऐसा ही बहुत लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं।